नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रतापगढ़ी किचन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बनाएंगे खजूर के लड्डू। खजूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम खजूर, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मखाना और कुछ नारियल के बुरादे और अखरोट ले लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद मखाने को रोस्ट कर लेंगे। मखाने को हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। मखाना हमारा यहाँ पर रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम फिर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब हम यहाँ पर कटे हुए बादाम डाल देंगे। बादाम को 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटे हुए काजू भी ऐड कर देंगे। अब साथ ही साथ काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कटे हुए अखरोट डाल देंगे। इसके बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नारियल के बुरादे को भी डाल देंगे और उसे भी साथ में रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम मखाने को ग्राइंड कर लेंगे। मखाने को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। मखाना हमारा यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद हम खजूर को भी ग्राइंड कर लेंगे। खजूर को हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये जार में चिपक जाता है। खजूर भी हमारा यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ग्राइंड किए हुए खजूर को मैंने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मखाना ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास जो भी काजू बादाम रोस्ट किए हुए थे उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे आपस में चिपक जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, खजूर में सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो आपस में चिपक गए हैं और इसका बहुत ही अच्छा लड्डू बन रहा है। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है। हम इसे व्रत में या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। अब आप चाहें जिस भी आकार में बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं। यह लड्डू बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और कन्हैया जी को भोग भी लगा सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सारे यहाँ पे लड्डू, छोटे छोटे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं।
यह बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।